लिखित रिपोर्ट दी कि तलाशी के दौरान जेल से 2 मोबाइल 1 बैटरी मिली है। सेंट्रल जेल में लगातार मिल रहे मोबाइल, सर्च अभियान में फिर मिले 2 मोबाइल और 1 बैटरी। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल के निर्देशन में जारी है सर्च अभियान। कोटा सेंट्रल जेल अधीक्षक के पद पर सुर्खियों में रही जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल के अजमेर केंद्रीय कारागृह में जेल अधीक्षक का पद संभालने के बाद उनके निर्देशन में जेल स्टाफ लगातार सर्च अभियान चला रहा है। सर्च के दौरान मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जेल में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान 11 बार में लगभग 48 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। सोमवार को चलाए गए सर्च अभियान में 2 मोबाइल और 1 बैटरी बरामद की गई। जेल प्रहरी दरियाब खान द्वारा सिविल लाइन थाने में इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया गया। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल रघुवर दयाल ने बताया कि बरामद मोबाइल और बैटरी सील चपड़ी कर लिखित रिपोर्ट के साथ थाने में प्रस्तुत की गई है, जिस पर इस प्रकरण का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान खुद उनके द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 20/12/2021 को जेल प्रहरी दराब खान बेल्ट नंबर 3264 थाना उपस्थित होकर के लिखित रिपोर्ट दी कि तलाशी के दौरान जेल से 2 मोबाइल 1 बैटरी मिली है, वो सील चेक करके लाए और हमने मुकदमा दर्ज किया है।